हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप। अब जितने भी स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन मास्टर्स ऑफ फार्मेसी को एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो शेयर कीजिए। तो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये जितने भी मास्टर्स के लिए जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब AICTE ऑल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते। जो भी स्टूडेंट्स ये दो क्राइटेरिया ऑफ AICTE मीट करता है उन्हीं को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। तो AICTE का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं वो AICTE द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में ही मास्टर्स करें। एंड नंबर टू क्राइटेरिया इज जो एंट्रेंस एग्जाम AICTE ने रखी है फॉर मास्टर्स, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। जैसे फार्मेसी के केस में एंट्रेंस है GPAT, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जो भी स्टूडेंट GPAT क्वालिफाइड करता है एंड AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, उनको AICTE स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा इस फोटो को देख लीजिए। इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो आप देख सकते हैं कि AICTE ने ये नोटिस इशू किया था 28 अगस्त को और रजिस्ट्रेशन फॉर PG स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गया था 1 सितंबर से ही। तो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन 30 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। अब जैसे आप जानते हैं कि कुछ स्टेट में फार्मेसी के एडमिशन बहुत डिलेड हो गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि रीज़न क्या है बिहाइंड द डिलेड ऑफ फार्मेसी एडमिशन, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। तो अब एडमिशन को लेके स्टूडेंट वरिड ऑलरेडी है। एंड अभी इन स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो मास्टर्स करना चाहते हैं एंड GPAT क्वालिफाइड है एंड एलिजिबल भी है GPAT स्टाइपेंड के लिए। तो क्या इन स्टूडेंट्स को AICTE स्कॉलरशिप नहीं देंगी? क्या AICTE डेट एक्सटेंड करेगी? आई नो स्टूडेंट्स आर वेरी वरिड। तो हम हमारे तरफ से एक ट्राई कर सकते हैं। मे बी AICTE को पता नहीं हो अबाउट दी डिलेड ऑफ एडमिशन प्रोसेस, मे बी। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेल देम एंड इन्फॉर्म अबाउट दी डिलेड ऑफ एडमिशन एंड हो सकता है देन AICTE डेट एक्सटेंड कर दे। इस मेल की लिंक एंड इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड में मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि डोंट वरी, आई नो एडमिशन बहुत डिलेड हो रहे हैं, बट अगर पिछले साल देखें तो एडमिशन जान तक चले थे। तो चांसेस है मे बी AICTE स्टाइपेंड रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड करे। तो वी जस्ट हैव टू स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आई विल नोटिफाई यू एज सून एज पॉसिबल। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद अनदर अमेजिंग वीडियो।